तो भाई लोग गुरुवार की सुबह हो चुकी है और जोमेटो की टी शर्ट जो है अपन भाई पहन ली है। उसके अलावा भाई आज मैं लाया हूँ स्टैंड, बाइक स्टैंड, मोबाइल स्टैंड लाया हूँ भाई। ये अपन गाड़ी में लगा के जो है आज भोपाल के नज़ारे, मतलब भोपाल की जो रोड है भाई, और अच्छे से अपन देख सकते हैं। इसमें क्या भाई कि एक बार मोबाइल लगाओ और चलने दो, वीडियो की टेंशन नहीं है वहाँ की। हाथ में अगर एक हाथ से बाइक चलाओ एक हाथ से वीडियो बनाओ तो उसमें क्या है एक्सीडेंट वगैरह का चांस रहता है, तो इसलिए मैं स्टैंड ले आया। और इस स्टैंड के बारे में मैंने आपको बताया था पहले, बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि इसको आप कैसे जो है ले सकते हो भाई। ये करीब 350 का था भाई और काफ़ी अच्छा स्टैंड है, मतलब इसमें मोबाइल नहीं गिरता भाई और मजबूत भी रहता है काफ़ी, और प्लस चार्जिंग भी इसी में आती, मतलब यानी कि भाई 350-400 में आपको चार्जिंग सहित ये स्टैंड मिल जाएगा। और इस स्टैंड को जो है भाई कैसे अपने को लगाना है, कैसे क्या करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इस स्टैंड को कहाँ से आपको लेना है ऑनलाइन में अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इस स्टैंड को खरीद सकते हैं। तो चलो भाई लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद देखते हैं आज कैसा क्या माहौल रहता है, क्योंकि इस बार भाई मैं वादा नहीं करूँगा कि 3 टारगेट कर देंगे, 4 टारगेट करेंगे, क्योंकि भाई वो पहले बोल देते हैं उसके बाद ऑर्डर ही नहीं आते तो पहला दूसरे टारगेट पर अटक के अपन रह जाते हैं और बात अपन की होती है भाई 4th-3rd की। तो क्या है मेरा फिर वीडियो अपलोड करने की इच्छा नहीं होता, पता चलता दिन भर वीडियो बनाई, दिन भर मेहनत करी और टारगेट हुआ ही नहीं, तो फिर मन सा नहीं लगता, वीडियो अपलोड करने का मन नहीं होता। तो आज अपन खाली काम करेंगे और काम करके देखेंगे कितने के टारगेट होते हैं, और इस स्टैंड का यूज़ करके भोपाल भी घूमेंगे भाई। तो भाई इस वाले स्टैंड की जो चार्जिंग है इसको मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जो बात है भाई क्लियर है, क्योंकि ये वाली जो चार्जिंग होती है भाई ये कई बार मोबाइल को ख़राब कर देती है, मेरा एक मोबाइल ख़राब हो ही चुका है इससे, इसलिए मैं चार्जिंग आप इमरजेंसी में ही करें, अगर आपको बिल्कुल ज़्यादा ही ज़रूरत है तब जो है भाई चार्ज करें मोबाइल को, क्योंकि इससे मोबाइल भी ख़राब होता है प्लस आपकी जो मोटरसाइकिल की बैटरी है भाई वो भी ख़राब होती है। तो देख लेना भाई इससे चार्जिंग कम ही करना, बाकी मोबाइल के लिए काफ़ी अच्छा भाई, मोबाइल लगा के आप एक बार लगाओ और बेफिक्र अच्छे से कस दो स्टैंड को, आपको मोबाइल नहीं गिरेगा बिंदास लगा के, फिर लोकेशन वगैरह देखते रहो, कॉलिंग वगैरह भी एयरफोन लगा लो तो मोबाइल भी यहीं लगा रहेगा ऐसा, और लोकेशन भी दिखती रहेगी, कॉलिंग भी होती रहेगी, सब होता है, स्टैंड बहुत सही है भाई। बाकी इसका एक और यहाँ पे इनका कनेक्ट करने का रहता है, वो मैं आपको बैग में रखा है वो निकाल के लाता हूँ। तो भाई लोग इससे जो है ये यहाँ पे लग जाता है और इसमें कनेक्ट हो जाता है, ये स्टैंड भाई पूरा खुल जाता है, ये मान लो देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये पहले से बंधा है, इसको मैंने कभी खोला ही नहीं, खाली इसको यहीं बंधा रहने देता हूँ, और जब भी मेरे को खोल के मतलब स्टैंड को निकालना होता है तो इसको खोल लेता हूँ और इसको अलग कर लेता हूँ। अब इसको वापस कसना है तो भाई इसको ढीला कर लेंगे और यहाँ लगा लेता हूँ मैं। तो भाई लोग स्टैंड जो है कंप्लीट हो गया, फुल कस दिया मैंने भाई, जब भी यूज़ करें भाई इसको फुल कस दें, क्योंकि ये ढीला रह जाता है, जैसे मान लो बताता हूँ मैं आपको भाई, ये मान लो अगर थोड़ा बहुत भी ढीला हो गया ना भाई तो मोबाइल गिरने का चांस रहता है, इसको फुल कसना ज़रूरी है भाई। तो इसको मैंने जो है भाई फुल कस दिया है, अभी इससे ज़्यादा नहीं कसाएगा भाई, ये फुल है। तो इस तरह से भाई स्टैंड लग जाता है और इसमें जो है अपन ऐसे करके मोबाइल फंसा सकते हैं यहाँ पर और इसके बीच में ऐसे में, और इस स्टैंड को अगर अपने जैसे खोलना हो तो भाई इसको ढीला करो, तो ये इसको नीचे वाले को इसी में लगा रहने दो, वापस मान लो कभी अपने को लगाना हो स्टैंड तो पूरा खोलने की जरूरत नहीं रहती, इसको मतलब थोड़ा ढीला करो, देखो बता देता हूँ खोलने के लिए सिंपल ही ये खुल जाता भाई, ये खुल गया, वो नीचे गिर गया। तो इस स्टैंड को ऐसे खोलना हो तो खोल के घर रख दो और लगाना हो तो वापस उसको कस लो, तो वापस ये जो है भाई कसा जाता है। तो भाई लोग मैंने स्टैंड के बारे में बता दिया कि स्टैंड कैसे खुलता है, स्टैंड कैसे लगता है, और मोबाइल भी इसमें भाई अपन कैसे जो है लगा सकते हैं। अब आखिरी चीज़ बचती है भाई चार्जिंग केबल, इस चार्जिंग मतलब ये जो चार्जर है इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर देखो USB का एक सॉकेट दिया हुआ है, इसमें जो है USB केबल लगा के भाई अपना मोबाइल अपन चार्ज कर सकते हैं, प्लस एक यहाँ पर बैटरी भी दी है भाई, जब भी अपने को ये चार्जर बंद करना हो तो बंद कर दो, चालू करना हो तो चालू कर सकते हैं इस बटन से। तो इस केबल को भाई कैसे कनेक्ट करना है बैटरी से वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे भाई पता है कि ये जो लाल वाला पॉइंट है ये भाई बैटरी के प्लस वाले पॉइंट से लगता है, लाल वाला जो वायर है, और जो ब्लैक वाला वायर है भाई वो शायद माइनस वाले पॉइंट से लगता है। बाकी जब भी आप इस चार्जिंग को जो है भाई कनेक्ट करने जाएँ, चार्जर को चालू करने जाएँ स्टैंड के, तो आप किसी भी मैकेनिक से जाके पूछ सकते हैं भाई कि लाल वाला वायर कौन से वाले पॉइंट पर लगेगा और ब्लैक वाला वायर कौन से पॉइंट पर लगेगा। तो जब भी भाई मुझे इस चार्जर को जो है भाई चालू करना रहता है तो मैं इस केबल को भाई अंदर से यहाँ से डालकर इस पैनल के पीछे से लाकर यहाँ पर बैटरी है और बैटरी के लाल वाला साइड प्लस में और ब्लैक वाला माइनस में जो है कनेक्ट करा के अपना जो है भाई चार्जर जो है चालू करा लेता हूँ और बिंदास फिर, और जब भी फिर चार्जिंग करनी हो बटन को ऑन कर दो
और जब भी अपने को चार्जिंग नहीं करनी हो तो बैटरी डिस्चार्ज ना हो इस वजह से इसको बंद कर दो भाई बटन को। तो इस तरह से जो है भाई इस स्टैंड को यूज़ कर सकते हैं। तो भाई स्टैंड लग गया है, अभी बची भाई चार्जिंग की केवल। ये आज अपने काम की है नहीं क्योंकि मोबाइल फुल है और चार्जिंग मोबाइल का जो चार्जर है भाई मैं लेके चलता हूँ क्योंकि अभी नया नया मोबाइल है भाई, अगर कहीं और से अपन जो है चार्ज करेंगे तो बैटरी ख़राब हो जाती है। तो जब तक मोबाइल की बैटरी ख़राब ना हो तब तक भाई मैं दूसरे जगह से चार्ज नहीं करता हूँ, खाली पावर बैंक से करता हूँ और मोबाइल के चार्जर से ही करता हूँ। तो इस वाली केबल को आज अपन यूज़ नहीं करेंगे और जैसा कि मैंने बता दिया है कि भाई केबल जो है सेफ़ नहीं है, सेफ़ इमरजेंसी में है उसके अलावा भाई सेफ़ नहीं है, तो इमरजेंसी में करें। ये भाई मैंने यहाँ पर बांध दिया, अब चलते हैं भाई अपन रोड पर। तो भाई पहला ऑर्डर आया, पहला ही ऑर्डर 54 रुपये का है, 12 किलोमीटर का ऑर्डर है भाई। तो चलो चलते हैं, काफ़ी दूर का ऑर्डर है, अच्छा है, अपने को तो करना है भाई आज काम, तो बढ़िया है, चलो चलते हैं। तो ऑर्डर जो है भाई रेडी रखा है, तो भाई लोकेशन पे आ गए हैं और मकान की बेल बजा देते हैं भाई, वेट कर लेते हैं भाई। तो भाई बैंक वाले नोट मिल गए एकदम कड़क कड़क, पहले ऑर्डर में 176 कैश लेना था भाई, तो कैश जो है मैंने कलेक्ट कर लिया और ऑर्डर अब मैं कर रहा हूँ भाई डिलीवर। तो भाई पहले ऑर्डर में जो है 60 और 4 रुपये जो है लॉन्ग डिस्टेंस का भी लॉक है, 15 मिनट बाद जो आ जाएगा, तो 13 किलोमीटर की ट्रिप में भाई 60 रुपये बने। अब अगले ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं भाई, अच्छा है भाई 60 रुपये बढ़िया है भाई। कॉलोनी में कितनी शानदार चीज़ मिली यार, वो 6 हैं भाई, मेरे को बहुत पसंद है भाई ये चीज़, ये लोग ले आ जाओ यार, अभी सो रहे हैं सारे, डर रहे हैं, चलो टाटा। तो भाई लोग दूसरा ऑर्डर आ गया, 45 रुपये दिखा रहा, 8 किलोमीटर का ऑर्डर है, तो दूसरे पे भी चलते हैं भाई। तो भाई दूसरे ऑर्डर के रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ, देसी चूल्हा नाम है रेस्टोरेंट का, और भाई रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब तक वेट कर लेते हैं भाई अपन। हो गया भैया रेडी? चलो भैया दूसरा ऑर्डर भी रेडी हो गया है और इसको कर लेते हैं पिकअप, उसके बाद कस्टमर की लोकेशन लेके चलेंगे। तो भाई ये दूसरा ऑर्डर है, ये यहाँ का है सूर्या टावर का, इसके बाहर खड़े हैं भाई, और उन्होंने जो है वो SBC बैंक के पास बुलाया है, SBC और कैनरा बैंक के बीच में बोल रहे हैं, वो भेज देंगे किसी को। तो बंदा जब तक नीचे आ रहा तब तक भाई अपन यहाँ वेट कर रहे हैं, और जैसे ही दूसरा ऑर्डर डिलीवर मैं उनको दूंगा फिर अपन डिलीवर मार्क करेंगे और दूसरे ऑर्डर में देखते हैं भाई कितना क्या हुआ। तो भाई दूसरे ऑर्डर में 9 किलोमीटर डिस्टेंस बनी और 48 रुपये बने, और आज की टोटल हो गया भाई 107 दो ऑर्डर के। अब अगले ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं भाई, देखते हैं कब लगता है। तो भाई लोग दो ऑर्डर हो गए हैं, भूख लगी आई, अब खाना खा लेते हैं, टिफिन निकाल लिया है अपन ने, और जब तक तीसरा ऑर्डर लग रहा है तब तक फुर्सत हो जाते हैं खाने से भी भाई। तो भाई खाने में आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, तो चलो जल्दी से खा लेते हैं भाई। तो भाई खाना खा लिया, खाना खाने के बाद करीब आधा घंटा हो गया, तीसरा ऑर्डर नहीं आया भाई, वेट कर रहे हैं देखते हैं कब तक आता है। बाकी भाई आज मैं फील्ड में जब से मैंने भाई मोबाइल को स्टैंड में लगाया मोटरसाइकिल के और स्टैंड में लगा के वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 लोग तो बोल ही चुके भाई कि ये GoPro है क्या, एक भाई बोला कि ये GoPro है क्या, तो मैंने कहा हाँ भाई ये GoPro नया वाला है। तीसरा ऑर्डर लगाए और तीसरा ऑर्डर लगा भाई 1 बजे। दूसरा ऑर्डर मैंने कब डिलीवर किया था भाई, दूसरा ऑर्डर मैंने डिलीवर किया था ये था 12 बजे 12:10 पर डिलीवर किया था भाई। तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं।
तो देखो भाई ऑर्डर ला रहा था, ऑर्डर जो है भाई लीक हो गया, ये देखो यहाँ से। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भाई आपको अपने बैग में पॉलीथीन रखना है, और पॉलीथीन कौन सी वाली रखना ताकि ये ऑर्डर आपके कपड़े वगैरह ख़राब ना करे, बैग ना करे, वही भाई मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले भाई ये ऑर्डर जो है भाई डिले हो रहा है, तो इसको ओपन कर देते हैं डिलीवर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई पॉलीथीन कैसे रखना है। तो भाई तीसरा ऑर्डर भी जो है डिलीवर कर दिया है, और तीसरे ऑर्डर में अर्निंग देखते हैं अर्निंग कितनी होती है। भाई इस ऑर्डर में हुई 60 रुपये, और 4 रुपये लॉक हैं लॉन्ग डिस्टेंस के, दिखा 45 रहा था लेकिन 15 रुपये अपने को बैटिंग का मिल गया है। तो भाई लोग इस तरह की पॉलीथीन जो है मैं अपने बैग में रखता हूँ, देखो ये जो है काफ़ी बड़ी है, और उस ऑर्डर का भाई ये देखो पानी टाइप का, ये चाय गिलास ये देखो पूरा बदल गया, इस तरफ भी आ गया है इधर भी आ गया है, शायद लिक्विड है दाल का ही पानी होगा भाई। तो इस तरह की पॉलीथीन रखो भाई, इससे क्या है कि अगर ऑर्डर लीक हो जाता है तो आपके जो कपड़े हैं भाई, क्योंकि कपड़े भाई सस्ते नहीं आते, 500-600 के तो कपड़े आते हैं, इतना अपना दिन भर में कमाई होती है, और अगर 500-600 के कपड़े ख़राब हो जाएंगे भाई, तेल वगैरह लग जाएगा, और 500-600 ही कमाएंगे तो माइनस प्लस तो जीरो हो गया ना भाई। तो इसलिए भाई कपड़े बचाने के लिए इस तरह की पन्नी रखो, एक दो पन्नी ले लेना, एक ख़राब हो जाए तो दूसरी पन्नी का यूज़ कर सकते हो इस तरह से भाई। ये भाई चौथा ऑर्डर है, और सारे ऑर्डर भाई 50 रुपये के ऊपर के ही आ रहे हैं, देखो देखो भाई सारे 50 रुपये के ऊपर के भाई। चलो भाई ये चौथा ऑर्डर, इसमें भी चलते हैं अपन। तो भाई लोग चौथा ऑर्डर पिकअप कर लिया है, आइटम है बड़ा सांभर पूरी भाजी गुलाब जामुन। तो भाई लोग चौथे ऑर्डर में ही ये वीडियो 8-9 मिनट की हो गई भाई। भाई मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, तीसरा ऑर्डर भी लीक हुआ भाई, चौथा ऑर्डर भी लीक हुआ, और चौथे ऑर्डर देखो भाई पूरा तेल तेल अलग हो गया था ऑर्डर का। अगर मेरे पास पॉलीथीन नहीं होती तो मेरे कपड़ों का क्या हाल होता, और मेरे बैग का क्या हाल होता भाई, सोचो। तो देखो मैं पहले पॉलीथीन की कंडीशन दिखाता हूँ। देखो भाई इस पॉलीथीन को अब भी धोया था, इसकी क्या हालत हो गई, देखो पूरा तेल तेल हो गया भाई। देखो अब मैं नहीं धो रहा हूँ भाई, इसको पोंछ लूँगा खाली कपड़े से, और धोऊँगा भाई रात में जाके घर पे। तो इसलिए बोलते हैं भाई पॉलीथीन रखो, वरना कपड़ों का भी यही हाल हो जाएगा और बैग का भी यही हाल हो जाएगा। तो भाई लोग आज 5 ऑर्डर डिलीवर कर दिए, और 5 ऑर्डर की मैंने छोटी छोटी वीडियो दिखाई आपको, और भाई उन्हीं छोटी छोटी वीडियो में ये वीडियो भाई 10 मिनट की हो रही है अभी। तो सोचो अगर पूरे ऑर्डर की मैं वीडियो बनाऊँ तो भाई एक ही वीडियो कम से कम आधे घंटे को, मतलब 25 से 30 मिनट की एक ही वीडियो हो जाएगी भाई। तो आज भाई मैंने सारी वीडियो में बोला ही बोला है, रोड पहले ऑर्डर में रोड दिखाए थे, उसके अलावा रोड नहीं दिखा पाया मैं आपको। अब कल की वीडियो भाई थोड़ी अलग आएगी, कल की वीडियो में मैं थोड़ा बोलूंगा कम, और मैं किस तरह से जो है चलते फिरते रहता हूँ वो मैं आपको लाइव बताऊंगा, और कल की वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, मैं थोड़ा कम बोलूंगा भाई। तो चलो भाई ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं अब आगे से ऑर्डर की वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब सीधा एंड में आपको रात में मिलूंगा कि कितनी क्या जो है भाई आज की अर्निंग हुई। और अभी जो भाई मैं वेट कर रहा हूँ छठवें ऑर्डर के लिए, छठवां ऑर्डर लगा नहीं है, ये पूरा मॉल सा बन रहा है भाई, यहाँ बैठा था पीछे खाली सी जगह है ये। तो चलो देखते हैं कब लगता है अगला ऑर्डर भाई। तो भाई टाइम हो रहा है 6:10, और 6:10 पे भाई दूसरा टारगेट जो है भाई कंप्लीट हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ भाई खाना खाने, और खाना खाने के बाद जो है भाई फिर से अपन दोबारा काम चालू करेंगे। तो भाई लोग अभी टाइम हो रहा है करीब 7, और मैं जो है भाई खाना खा रहा था 6:30 के बाद, भाई मैंने डाल दिया था गो ऑफलाइन, मतलब भूख लगी थी भाई, तो मैंने 6:30 के बाद एक ऑर्डर आया था उसमें डाल दिया था कि अब जो है ऑफलाइन जाना है, और खाना खा लिया 7 बजे रहे भाई फ्री हो गए, अपन दोबारा से भाई लॉगिन में जाते हैं, और अपने पास है भाई 4 घंटे, 4 घंटे में मे भी अपन शायद कर सकते हैं 4 टारगेट। तो चलो लॉगिन होते हैं और देखते हैं, अच्छा अगर अच्छे ऑर्डर आ गए तो हो जाएंगे भाई 4 टारगेट। तो चलो भाई चलते हैं। ये आज का लास्ट ऑर्डर है भाई, और मैं जो है भाई कस्टमर की लोकेशन पे आ गया हूँ, ये देखो आप, और इसको मैं कर रहा हूँ भाई डिलीवर। और इस ऑर्डर में जो है मुझे लग, और इस ऑर्डर में जो है भाई अपना चौथा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 24 रुपये दिखा रहा था, बाकी मिलते कितने अपन देखते हैं, क्योंकि 24 रुपये में तो टारगेट कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं डिलीवर मार्क कर ही रहा हूँ बस। तो भाई सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखो भाई अर्निंग जो है अपनी हुई 26 रुपये, और यहाँ पर दिखा रहा है भाई कम्प्लीट 2 मोर, मतलब चौथा टारगेट कंप्लीट करने के लिए अभी 2 रुपये और चाहिए ऐसा दिखा रहा है, जबकि भाई 24 रुपये मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा था, और इस ऑर्डर के बने अपने 26 रुपये, तो भाई टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ये तो मैं 101% मानता हूँ। ये देखो भाई यहाँ पर ऑर्डर पे में अपने टोटल बन गए 553, जबकि अपने चौथे टारगेट के लिए चाहिए 550, तो 3 रुपये एक्स्ट्रा हो गए भाई। तो अभी मैं कर देता हूँ ऑफलाइन, नहीं तो पता चले भाई बहुत दूर का ऑर्डर आ जाए और मैं जो है रात भर परेशान होता रहूँ, क्योंकि भाई अगर एक ऑर्डर और आ गया तो सीधा 1 बज जाएगा मुझे, और घर पहुंचते बजते 2 बज जाएंगे, फिर वीडियो नहीं डाल पाऊंगा भाई। तो इसलिए मैं जल्दी से इसे ऑफलाइन कर देता हूँ।
और भाई यहाँ पर आप मेरा लॉगिन टाइम देख सकते हो, करीब 13 घंटे होने वाले थे, मतलब 13 घंटे आज जो है भाई मैंने काम किया है, तब जो है भाई अपना चौथा टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ एम्स के पास और लास्ट ऑर्डर मैंने भाई यहीं डिलीवर किया। तो भाई लोग लास्ट ऑर्डर जब अपने डिलीवर किया आपने देखा भाई 2 रुपये अभी कम दिखा रहा था कि 2 रुपये और कम्प्लीट करो तब जो है आपका चौथा टारगेट कम्प्लीट होगा। तो भाई उस पर आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो जोमेटो जो है नए जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा परेशान करता है, वो लोग समझते हैं 2 रुपये और कम है तो वो एक आध ऑर्डर और करने के चक्कर में लंबा उनको फेंक देता है भाई, तो वो जो है परेशान होते रहते हैं जबकि उनका टारगेट कंप्लीट हो चुका होता है। मैंने ऑर्डर पे मैं आपको जाकर दिखाया भाई 553 हो रहे हैं जबकि अपना चौथा टारगेट भाई 550 पे होना है, यानी 3 रुपये एक्स्ट्रा हो गए लेकिन फिर भी दिखा रहा है कि 2 रुपये कम है। तो भाई ऐसा ही कुछ था, आज अपन ने बोला नहीं था कि चौथा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा लेकिन बड़े दिनों बाद आज भाई कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अब मैं निकल रहा हूँ भाई घर, 11:10 करीब हो रहे हैं तो घर पहुँचते पहुँचते 11:30 के ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि भाई अभी मैं हूँ मेट्रो आ रही है अपने भोपाल में बहुत जल्द। तो भाई इतने पोल जो है बन गए, यहाँ पर आने ख़त्म है, फिर उसके बाद आगे है, यहाँ तक अभी नहीं बना है, बाकी बीच बीच में कहीं कहीं बन गया है, तो चलो देखते हैं कब जो है मेट्रो में अपने को बैठने का चांस मिलेगा भोपाल में। तो चलो भाई अब मैं निकलता हूँ घर, सभी को गुड नाइट भाई।